हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। डिफरेंशियल इक्वेशन की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के पार्ट में हमने सीएफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के भी तीन पार्ट क्लियर कर लिए हैं, जिसमें मिलने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स के लिए और उस क्यू एक्स की जगह मिलने वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साथ ही साइन ए एक्स या कोस ए एक्स, इन फंक्शंस के लिए भी हमने पीआई कैलकुलेट करना सीख लिया। आज हम देखेंगे कि जब एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स होने पर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां यदि क्यू एक्स की जगह एक्स का कोई पॉलिनोमियल मिलता है तो हम किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। यानी कि जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स फॉर्म में मिलता है, जहां ये कैपिटल डी डी अपॉन डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ये क्यू एक्स एक्स का कोई पॉलिनोमियल है, जैसे कि एक्स रेज टू द पावर एम समझ लीजिए, यानी कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये फंक्शन क्यू एक्स एक्स रेज टू दी पावर एम के इक्वल है तो किस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। तो पहली चीज इसमें होती है स्टूडेंट्स कि जो वाई का मल्टीपल होता है यहां एफ ऑफ डी, हम उसे इक्वल में मिलने वाले क्यू एक्स के साथ भेजते हैं जब पी आई कैलकुलेट करते हैं। तो जब एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एम टाइप का फंक्शन होगा तो वाई के मल्टीपल को यानी कि एफ ऑफ डी को एक्स रेज टू दी पावर एम की साइड भेजने पर इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वन अपॉन एफ डी एक्स रेज टू दी पावर एम। तो मैंने डायरेक्ट हेडिंग लगा दी यहां टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन एफ डी एक्स रेज टू दी पावर एम। यानी कि इस टाइप के फंक्शंस के लिए पी आई कैलकुलेट करना हम आज की क्लास में सीखेंगे। सो स्टूडेंट, लेट द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बी एज, हमने उस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को इस तरह से कंसिडर कर लिया कि एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एम। देन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन एफ ऑफ डी को हम एक्स रेज टू दी पावर एम की साइड भेजते हैं। अब ये एफ ऑफ डी फैक्टर फॉर्म यानी कि लीनियर इक्वेशन में हो सकता है, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या उससे भी हायर ऑर्डर का पॉलिनोमियल, हायर ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो सकता है डी के लिए। तो एक बार मैंने एफ ऑफ डी को फैक्टर फॉर्म यानी कि डी माइनस एल्फा एक लीनियर इक्वेशन के रूप में मान लिया। ऐसे में जब आप एफ ऑफ डी को एक्स रेज टू दी पावर एम की तरफ भेजेंगे तो फॉर्म होगी वन अपॉन डी माइनस एल्फा एक्स रेज टू दी पावर एम। तो यहां एक्स का कोई भी फंक्शन यानी कि एक्स रेज टू दी पावर एम पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा तो यहां जो लास्ट में वो चाहे लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक हो या हायर ऑर्डर का यहां आपको कोई इक्वेशन मिले डी के लिए, तो आपको लास्ट टर्म को कॉमन लेना होता है साइन के साथ। जैसे कि यहां लास्ट टर्म है माइनस एल्फा जो कि कॉन्स्टेंट है, तो इस माइनस एल्फा को हम इस ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे यानी कि कॉमन निकालेंगे। तो माइनस एल्फा बाहर आएगा तो इसके अंदर बच जाएगा वन माइनस डी अपॉन एल्फा, और वो स्टेप जब ऊपर आएगा यानी कि डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर हो जाएगी माइनस वन। तो स्टूडेंट माइनस वन अपॉन एल्फा, वन माइनस डी अपॉन एल्फा रेज टू दी पावर माइनस वन एक्स रेज टू दी पावर एम की फॉर्म में हो गया हमें जो इक्वेशन मिला था। अब इस वन माइनस डी अपॉन एल्फा रेज टू दी पावर माइनस वन को हमें एक्सटेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम से। तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होगी वन प्लस डी अपॉन एल्फा प्लस डी स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस डेज डेज सो ऑन एक्स रेज टू दी पावर एम। अब इसको कितनी स्टेप्स तक हम एक्सपेंड करेंगे ये डिपेंड करेगा इस पॉलिनोमियल पर, यानी एक्स की पावर कितनी है हाइएस्ट उस पर डिपेंड करेगा कि इसको कितने स्टेप्स तक एक्सपेंड किया जाए। उसका रीजन ये है, सुपोज करो यहां ओनली एक्स होता तो यहां सिर्फ डी एग्जिस्ट करता क्योंकि उस एक्स का वन टाइम डिफरेंशिएशन हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम इसको डी स्क्वायर तक एक्सटेंड करते, क्यूब होता तो डी क्यूब तक। उसका रीजन ये है कि यहां जो हायर ऑर्डर की टर्म होगी एक्स के लिए उसके अकॉर्डिंग हमें इसको डिफरेंशिएट के आधार पर एक्सपेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां मैंने अभी प्लस डैश डैश सो ऑन रखा है और ये जो कैपिटल डी है ये डी अपॉन डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है यानी कि डिफरेंशिएट को यानी कि डेरिवेटिव को।
सो स्टूडेंट ये है आज के लेक्चर का हमारा मेथड। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/FD x raise to the power m हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमने फॉर्म ऑफ इक्वेशन कंसीडर किया है f(dy) इक्वल टू x raise to the power m, यानी x के लिए कोई पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करने के लिए आप y के मल्टीपल को qx यानी कि x raise to the power m की तरफ भेजते हैं। अब ये f(d) का किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। इसको हमने एक बार f(d) इक्वल टू d माइनस अल्फा मान लिया, तो ये वैल्यू f(d) की जगह पुट करेंगे तो फॉर्म होगी 1/d माइनस अल्फा x raise to the power m। इस फैक्टर में या इस इक्वेशन में लास्ट की टर्म को हमेशा कॉमन निकालना होता है इस ब्रैकेट से बाहर। तो जब माइनस अल्फा बाहर आएगा तो इसके अंदर फॉर्म बनेगी 1-d/α रेज टू दी पावर माइनस वन, और बाहर है x रेज टू दी पावर m। अब इसे हमें बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है, जिसका फॉर्मूला भी मैं आपको नोट करवा दूंगा। कहां तक एक्सपेंड करेंगे वो इसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है, बाकी हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो दो यूजफुल फॉर्मूले हैं, उनको आप नोट कर लें। अगर फॉर्म है 1+x^-1 तो उसे आप लिख सकते हैं 1-x+x^2-x³ --on। अगर मिलता है 1-x^-1 तो ये हो जाएगा 1+x+x²+x³+on, जो कि हमने यहां अप्लाई किया है। तो ये अपने पास में यूजफुल कुछ फॉर्मूले हैं। ये कहां से आते हैं इनको एक बार वापस याद दिलाऊं आपको। x+y^n जब आप ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है nc0(x^n y^0)+nc1(x^n-1 y^1)+on। इसके बाद का जो स्टेप होगा वो हो जाएगा nc2(x^n-2 y²। ठीक है, तो इस तरह से जो स्टेप आते हैं उसी से हमने इनको एक्सटेंड करके ये दो फॉर्मूले बनाए हैं जो यहां यूजफुल होंगे। यहां आप n की वैल्यू -1 करेंगे तो ये nc0 सब जगह से इक्वल हो जाएगा और सिर्फ इतनी बचेगी टर्म 1-x+x²-x³+on। ये आप x की जगह 1, y की जगह x रिप्लेस करके चेक भी कर सकते हैं। मैं यहां एक स्टेप और लिख देता हूं, प्लस nc2(x^n-2 y²+on। तो ये तो है हमारे पास में स्टैंडर्ड एग्जाम्पल या कहें फॉर्मूला। उससे हमें जो यहां काम में आएंगे वो दो फॉर्मूले इस प्रकार से जनरेट होते हैं, जिनको आप डायरेक्ट याद रख लें तो बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूले काम आएंगे आज के लेक्चर में। आप यहां तक इस मेथड और इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे इस फॉर्मेट पे या इस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल, d2y/dx²-4dy/dx+4y=x²। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को f(dy) = qx की फॉर्म में लिखना है, और यहां जो qx है वो x^m फॉर्म का होगा। जैसा कि यहां आप देख पा रहे हो qx की वैल्यू है x², तो कैपिटल D में इसको कन्वर्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं d²-4d+4y=x². यहां से आप कंपेयर करके देखेंगे तो f(d) की वैल्यू है d²-4d+4, qx की वैल्यू है x². इसे आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 लगा दें, और यह भी बता दें कि जो कैपिटल D है यहां वो डिनोट कर रहा है d/dx को। इस फॉर्म में आने के बाद स्टूडेंट पहला स्टेप है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना, जिसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन का तरीका है d की जगह m पुट करो और =0। यहां से हमें m का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, यानी कि m के दो रूट एग्जिस्ट करेंगे। उन्हें फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन रहा है, देखिए m-2 का होल स्क्वायर। कोई भी मेथड यूज करके आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से आपने देखा कि m की दो वैल्यू मिल गई हमें,
2.2 जब इसको कंपेयर करेंगे जीरो के साथ। तो देखो m की जो वैल्यू है वो रियल है साथ में इक्वल है, तो ऐसे में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो अपने पास में हो जाता है c1 प्लस c2x e रेज टू द पावर 2x। ये अपने पास में दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन आ गया, पहला पार्ट आ गया cf यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद ही स्टूडेंट जब हमें pi कैलकुलेट करना होता है तो यहां y के मल्टीपल f ऑफ d को इक्वल में मिले qx के साथ भेजना पड़ता है। तो यहां से हमें काम करना है pi के लिए, तो y का मल्टीपल यानी कि d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 को x स्क्वायर की तरफ भेज देंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और यहां अपने पास में है x स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको d माइनस अल्फा से कंपेयर करके बताया था, तो माइनस अल्फा को हमने कॉमन निकाला था, यहां अपने पास में आ रहा है कॉन्स्टेंट प्लस 4, तो इस 4 को बाहर निकालेंगे। देखना कॉमन लेने के बाद इक्वेशन की फॉर्म क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 4 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4 और यहां है अपने पास में एक्स स्क्वायर। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं यहां, नो प्रॉब्लम। आफ्टर इट इस टर्म को हम न्यूमिनेटर में लेके आते हैं, तो यहां आप देखेंगे कि जब ये न्यूमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर हो जाएंगी माइनस 1, यानी कि आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइड बाई 4 होल पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब यहां 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 जैसा टर्म बन गई जिसको हम एक्सपेंड करेंगे, और वो एक्सपेंड डिपेंड करेगा इस एक्स स्क्वायर पर। ये एक्स स्क्वायर मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएट हो सकता है, पहली बार करेंगे 2x, उसके बाद 2 और थर्ड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। यानी कहने का मतलब हमें इसको सिर्फ डी स्क्वायर तक की टर्म में एक्सपेंड करना है। तो क्योंकि फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था वापस याद दिला देता हूं, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 जो कि होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डेज डेज सो ऑन। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 अपॉन 4 यहां आप एक्स को कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4, तो पहली टर्म देखिए 1 माइनस एक्स यानी कि डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4। नेक्स्ट टर्म में प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर से मतलब है डी स्क्वायर माइनस 4d, इसका भी आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखो इसको एक्सपेंड करेंगे जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां d रेज टू द पावर 4, मिड टर्म में आएगा माइनस 8d क्यूब और एक टर्म आएगी लास्ट में 16d स्क्वायर अपॉन 16, यानी कि इसमें लोवेस्ट जो है d का ऑर्डर 2 है और x स्क्वायर को भी हम 2 टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको हम सिर्फ इस टर्म तक ही एक्सपेंड करेंगे। यानी अगर x स्क्वायर है तो 2 बार ओपन कर लीजिए, ओके। अब देखिए इसके बाद 1 अपॉन 4 1 माइनस, ये अलग अलग कर देता हूं डिवाइड में, तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 4d अपॉन 4 करेंगे तो यहां d बच जाएगा। d रेज टू द पावर 4 को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको 2 टाइम ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मिड वाली टर्म जो आएगी ना माइनस 8d क्यूब वो भी नहीं लिख रहे, लास्ट टर्म होगी 16d स्क्वायर अपॉन 16, तो 16 से 16 कैंसिल आउट, एक ही टर्म लिख देता हूं यहां d स्क्वायर और यहां अपने पास में है x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को सभी के साथ ऑपरेट कर देते हैं, तो किसी के साथ तो ये मल्टीप्लाई होगा, कहीं इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो आइए ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इसके बाद देखना वैल्यू क्या किस प्रकार से चेंज होगी, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक बार करेंगे 2x, ट्वाइस करेंगे तो 2,
तो माइनस का 2 अपॉन 4 प्लस डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर 2x ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर 2। अब इसको हम आगे इजी करके लिख देते हैं, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहां देखो माइनस 2 बाई 4 का मतलब है माइनस 1 बाई 2 और प्लस 2, तो 2 माइनस 1 बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में प्लस का 3 बाई 2। अब चाहें तो इस 4 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अपने पास में जो पीआई है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2x अपॉन 4 मतलब x बाई 2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 3 बाई 2 तो हो जाएगा 3 अपॉन 8। तो ये आ गया अपने पास में दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। और जब अपने पास में CF और PI दोनों कैलकुलेट हो जाते हैं तो इसको लिखा जाता है y इक्वल टू CF प्लस PI। ये होता है अपने पास में कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वैल्यू रख देते हैं, CF है अपने पास C1 प्लस C2X e रेज टू द पावर 2X प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 3 बाई 8। तो ये डिनोट करता है यहां दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर को। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से हम एक्स रेज टू द पावर m के और भी कई सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है कुछ इस प्रकार से, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स। और यहां बता देंगे कि जो कैपिटल डी है उसका मतलब है डी अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन आने के बाद पहला पार्ट जो कि सी एफ के रूप में हम फाइंड करते हैं उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सिलरी इक्वेशन की। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी की जगह एम पुट करके हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है यहां इन दोनों टर्म में एम स्क्वायर कॉमन है तो आप इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर एम माइनस 1 और यहां दोनों में कॉमन है माइनस 1 तो आ जाएगा एम माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि टर्म कुछ इस प्रकार से बन गई एम स्क्वायर माइनस 1 एम माइनस 1 इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एम माइनस 1 एम प्लस 1 एम माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसको लिखा जा सकता है एम स्क्वायर सॉरी एम माइनस 1 का होल स्क्वायर एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग कंपेयर करेंगे तो क्योंकि m के लिए क्यूबिक इक्वेशन था इसके तीन रूट एग्जिस्ट करेंगे तो वो तीन रूट कुछ इस प्रकार से हैं, यहां से 1 और 1 ट्वाइस टाइम होगा क्योंकि m माइनस 1 का होल स्क्वायर है और एक रूट अपने पास में माइनस 1 क्योंकि m प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1। तो यहां m के तीन रूट एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से दो इक्वल हैं और एक डिफरेंट है, तीनों रियल हैं। तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो हो जाता है, तो माइनस 1 को लिख देता हूं सबसे पहले सी वन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अब क्योंकि दो इक्वल हैं तो इसके लिए तरीका होता है सी टू प्लस सी थ्री एक्स ई रेज टू द पावर एक्स। ये यहां पे डिनोट करता है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के
CF को, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, जो कि सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है। सेकंड पार्ट यानी कि PI के लिए Y के मल्टीपल को X की तरफ भेजते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां QX जो भी होगा इस एक्सरसाइज में आपको X का कोई पॉलिनोमियल मिलेगा। तो नाउ PI तो Y इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 और यहां आ जाएगा x। अब मैंने इससे पहले तरीके जो हमने डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग यहां जो भी अल्फा होता है उसको कॉमन निकाला जाता है, यहां आपके पास में है 1। सो स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1 अपॉन 1 प्लस डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी और यहां x, यानी इन सभी को आप x में मानेंगे, यानी x की वैल्यू यहां को कितनी होगी डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी। जब आप इसको ऊपर लेके आते हैं न्यूमिनेटर में तो आप लिख सकते हैं इसको 1 प्लस डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी और यहां अपने पास में है x। अब क्योंकि ये ऊपर आएगा तो पावर हो जाएगी माइनस 1 और x की पावर है 1, यानी x को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करते कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कितना एक्सपेंड करेंगे सिर्फ एक स्टेप तक। तो इन सबको आप x मान लें क्योंकि यहां फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो होगा 1 प्लस x रेज टू द पावर माइनस 1, यानी कि एक्सपेंड करने पे आप इसे लिखेंगे 1 माइनस x, यानी ये जो है वो स्टेप x के इक्वल है कंपेयर करने पे। तो एक्सपेंड करने पे आ जाएगा 1 माइनस x, तो यहां हो जाएगा साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा प्लस डी। अब इसको हमने एक ही स्टेप तक ओपन किया है क्योंकि यहां x है, तो इस x के ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने ऑर्डर तक कितने टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करेंगे। अब इस x को आप इन सभी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, 1 इंटू x x माइनस डी क्यूब यानी 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x जो कि 0 होगा, d स्क्वायर मतलब 2 टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि 0 होगा, प्लस d ऑफ x यानी 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो यहां साइन है प्लस का, तो बीच वाली टर्म को मैं नहीं लिख रहा जो कि 0 है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x को आप लिख देंगे x प्लस 1। तो ये डिनोट करता है PI को, इक्वेशन नंबर 2। और जब आप CF और PI दोनों फाइंड आउट कर लें तो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ऐड कर देंगे तो y इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर माइनस x प्लस C2 प्लस C3x e रेज टू द पावर x प्लस PI अपने पास में है x प्लस 1। ये होगा दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स आप इसे नोट करें, हम इसके आगे देखेंगे और भी x रेज टू द पावर m फंक्शन के सॉल्यूशंस किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। यह है स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस x स्क्वायर माइनस साइन x। तो यहां मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में qx की जगह अभी तक जितने भी फंक्शन हमने पढ़े वो तीनों ले लिए हैं, जैसे कि e रेज टू द पावर x यानी एक्सपोनशियल फंक्शन, x स्क्वायर मतलब x रेज टू द पावर m यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये माइनस साइन x का मतलब हो गया साइन ax वाला फंक्शन। तो यहां हम इन तीनों के लिए PI फाइंड करना सीखेंगे, तो पीछे की क्लासेस का भी रिवीजन यहां हो जाएगा। सबसे पहले दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को f ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन x। और यहां हम बता देंगे जो कैपिटल D में हमने चेंज किया है वो डिनोट करता है d अपॉन dx को यानी कि डेरिवेटिव को। ये इक्वेशन आने के बाद
हम फाइंड करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में मिलने वाले रूट के बिहाफ पर फाइंड किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आपकी मर्जी है जैसे कर सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख देता हूं। फैक्टराइजेशन करने पे हम इसे m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कॉमन लेंगे m, तो m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये लिखा जाएगा m प्लस 1 m प्लस 1, जो कि है m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से m की जो वैल्यू आ गई माइनस 1 और माइनस 1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, m के दो रूट मिलने निश्चित थे, वो दोनों रूट रियल हैं, साथ में इक्वल भी हैं, तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है c1 प्लस c2x रेस टू द पावर माइनस एक्स, जो कि डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। इसके बाद स्टूडेंट जब हम इसका पीआई फाइंड करते हैं, तो वाई के मल्टीपल एफ ऑफ डी को क्यूएक्स की तरफ भेजते हैं, यहां क्यूएक्स की जगह हमें तीन अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं, तो तीनों के साथ हम उसको भेज देंगे जैसा कि इन फंक्शन को रिक्वायर्ड होता है। जैसे याद दिला दूं आपको, एक्सपोनशियल फंक्शन में अगर पॉसिबल हो तो यहां एफ ऑफ डी को फैक्टर फॉर्म में भेजा जाता है, एक्स स्क्वायर में एज इट इज भेजा जाता है, क्योंकि वहां लास्ट में जो कॉन्स्टेंट होता है, जैसी भी टर्म होती है उसको कॉमन लिया जाता है, जैसे कि हमने डी माइनस एल्फा पे देखा था। साइन ए एक्स और कोस एक्स में रूल होता है कि आप फंक्शन को एफ ऑफ डी स्क्वायर में भेजिए, तो यहां डी स्क्वायर में ऑलरेडी ये है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो पीआई के लिए हमें करना होता है इस प्रकार से e रेस टू दी पावर x, तो एक्सपोनशियल के साथ f ऑफ d हमेशा फैक्टर फॉर्म में जाता है, तो यहां आप लिख देंगे d प्लस 1 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर के साथ जैसा f ऑफ d अवेलेबल होता है वैसा ही भेज सकते हैं, यानी कि d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस साइन x, इसको चाहिए एफ ऑफ डी स्क्वायर फॉर्म में, तो ये ऑलरेडी है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल होता है कि जब x का यहां कोफिशियंट है जैसे कि 1, उसको d की जगह पुट किया जाता है, अगर ये नॉन जीरो है तो पुट करते ही pi फाइंड हो जाएगा, और अगर जीरो होता है तो ये देखा जाता है कि कितने फैक्टर जीरो हैं, अगर r फैक्टर जीरो हो तो pi हो जाता है x रेज टू द पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल ई रेस टू दी पावर ए एक्स, जैसा भी होता है। यहां डी की जगह वन पुट करने पर जीरो नहीं हो रहा, तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, डी की जगह वन पुट करना है, यानी इस तरह से ई रेस टू दी पावर एक्स वन प्लस वन का होल स्क्वायर। इस स्टेप के लिए वन को कॉमन लिया जाता है, क्योंकि यहां लास्ट में अल्फा वन है, वन को कॉमन ले लेंगे, तो इसको आप लिख देंगे वन प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस साइन एक्स। साइन एक्स में रूल होता है कि जो x का यहां कोफिशियंट है, मान लीजिए कि a है, तो a स्क्वायर की निगेटिव वैल्यू डी स्क्वायर की जगह पुट की जाती है, यानी कि डी स्क्वायर की जगह हम पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर। यहां a की वैल्यू है 1, तो आप डी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे माइनस 1, तो अभी तो जीरो होगा नहीं, अगर जीरो होता तो रूल चेंज होता, अभी जीरो नहीं होगा क्योंकि डी स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट करने से डी तो बची रहा है, तो आप डी स्क्वायर की जगह मान पुट करेंगे माइनस वन प्लस 2d प्लस 1। इसको और भी सोल्व कर देते हैं, ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 आ गया यहां पे, प्लस ये जो नीचे टर्म बनती है, जो भी फंक्शन बनता है, इसको हम ऊपर लेके आते हैं x रेस टू दी पावर m जैसे फंक्शन के लिए, यानी कि पॉलिनोमियल के लिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d पावर माइनस 1, और यहां अपने पास में आ जाएगा x स्क्वायर। यहां माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया देखो माइनस साइन x अपॉन 2d,
पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म एक्सपोनेंशियल तो अपने आप में सोल्व हो चुका है, e रेज टू द पावर x अपॉन 4 प्लस, अब क्योंकि आपको बताया यहां अगर हम कंपेयर करें इसे 1 प्लस x रेज टू द पावर माइनस 1 से, तो x की वैल्यू है d स्क्वायर प्लस 2d, यहां x की पावर है 2, यानी इसका 2 ऑर्डर है, तो हम इसको ट्वाइस टाइम तक एक्सपेंड करेंगे, मानी पावर 2 तक, तो यह आ जाएगा देखना 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू डी स्क्वायर प्लस 2d, तो 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d, यहां एक बार ब्रैकेट लगा देता हूं, प्लस सेकेंड टाइम डी स्क्वायर प्लस 2d होल स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस टाइम इसको हम एक्सपेंड करते हैं, यहां मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, यहां अपने पास में एक्स स्क्वायर, जो लास्ट टर्म है साइन एक्स अपॉन 2d, तो आप इसको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करके वापस माइनस 1 भी पुट कर सकते हैं, d को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, या फिर 1 अपॉन d जब भी हो आपके पास तो उसका मीनिंग है इंटीग्रेशन, जब ये कैपिटल d ऊपर आता है इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और 1 अपॉन d आने का मतलब है इंटीग्रेशन, तो देखो माइनस 1 बाय 2 तो बाहर है ही, माइनस 1 बाय 2, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 कोस एक्स, अगर आप इसको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करके करते तो भी यही वैल्यू आती, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, तो यहां से स्टूडेंट दो टर्म का पीआई तो फाइंड हो गया, एक फंक्शन बचा है एक्स स्क्वायर, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, तो आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल टू e रेज टू द पावर x अपॉन 4 प्लस 1 माइनस d स्क्वायर माइनस 2d प्लस, अब इस होल स्क्वायर में से कौन कौन सी टर्म को हमें चूज करना है और इस ब्रैकेट में रखना है वो देख लेते हैं, जब ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो d रेज टू द पावर 4 होगा, जो कि यहां एक्स स्क्वायर होने के कारण जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार बार डिफरेंशियल करोगे इसका तो जीरो होगा, मिड टर्म जो आएगी वो आएगी 4d क्यूब, और थ्री टाइम डिफरेंशियल करने पर वापस से जीरो हो जाएगा, लास्ट टर्म होगी 2d स्क्वायर माने कि 4d स्क्वायर, तो यहां वो लिख लेता हूं क्योंकि 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, यहां आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म है प्लस कोस एक्स बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इन दो फंक्शन को तो एज इट इज रखना है, और एक्स स्क्वायर को अब सभी के साथ ऑपरेट कर देते हैं, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहली बार करेंगे 2x, सेकेंड टाइम में 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक बार डिफरेंशियल 2x, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x, प्लस 4 इंटू 2 टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 होगा प्लस 4 इंटू 2, ये हो जाएगा अपने पास में 8 प्लस कोस एक्स बाई 2, इसको सोल्व करके लिख देते हैं, e रेज टू द पावर x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस 8 प्लस 6 प्लस कोस एक्स बाई 2, तो ये आ गया अपने पास में दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई। इससे पहले हमने सीएफ फाइंड किया था, सीएफ और पीआई दोनों फाइंड हो जाएं तो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सीएफ प्लस पीआई। CF था अपने पास C1 प्लस C2X e रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस PI आ गया e रेज टू द पावर x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4X प्लस 6
प्लस कोस एक्स बाई टू, और ये डिनोट करता है दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट के आंसर को। सो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखेंगे हम और भी x रेज टू द पावर m जैसे फंक्शंस का पीआई फाइंड करना। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब, जहां कैपिटल डी का मतलब है डी अपॉन डी एक्स, यानी कि ये दिया गया फंक्शन एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स में ऑलरेडी गिवन है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन की, ताकि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए आप लिखेंगे d की जगह m और इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। सोल्व करोगे तो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन और m बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आइटा, क्योंकि अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू होती है आइटा। इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि मिलने वाले जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं और डिस्टिंक्ट हैं, एक तो आइटा है और एक माइनस आइटा, तो अगर इसको हम अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा से कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू जीरो है और बीटा की वैल्यू वन है। तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स, जो कि यहां जीरो है, सी वन कोस बीटा एक्स और बीटा यहां पर वन है, प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, तो वो भी यहां वन है। यानी कि आप इसको सोल्व करके लिख सकते हैं सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ये होगा दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए वाई के मल्टीपल एफ ऑफ डी को इक्वल में मिलने वाले क्यू एक्स के साथ भेजा जाता है। यहां भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोस ए एक्स जैसा फंक्शन और एक्स का पॉलिनोमियल, तीनों तरह के फंक्शन मिल रहे हैं, तो यहां एफ ऑफ डी को सभी के साथ अलग अलग भेजा जाता है। तो देखिए सबसे पहला काम एक्सपोनेंशियल को चाहिए फैक्टर फॉर्म में। अब क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी आए हैं तो इसका मतलब इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको लिख दोगे ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस वन, जैसा ये एफ ऑफ डी है एज इट इज। इसके बाद कोस ए एक्स या साइन एक्स को हमें फंक्शन चाहिए एफ ऑफ डी स्क्वायर फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी है, तो यहां भी ये ऐसा का ऐसा चला जाएगा। और पॉलिनोमियल के लिए फंक्शन जैसा होता है एज इट इज आ जाता है, मतलब इस तरह से डी स्क्वायर प्लस वन। ओके नाउ जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सोल्व करते हैं तो यहां x के मल्टीपल यानी कि माइनस वन को नीचे f ऑफ d में d की जगह पुट किया जाता है। d की जगह माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन जीरो नहीं हुआ, इट मींस सिर्फ आपको पुट करना है, तो आप लिख देंगे e रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस, यहां cos ax जैसे फंक्शन में x के मल्टीपल यानी कि 1 को स्क्वायर फॉर्म में और निगेटिव साइन के साथ d स्क्वायर की जगह पुट किया जाता है। तो यहां अगर आप d स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट करते हैं तो ये नीचे जीरो बन रहा है। ऐसे में जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिए कि अगर फंक्शन इस फॉर्म में हो cos ax d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है इस प्रकार से x अपॉन टू ए साइन ए एक्स। यहां आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखना x अपॉन टू इंटू वन, टू इंटू वन मतलब 2 लिख सकते हैं, और cos x कन्वर्ट हो जाता है साइन x में। तो यहां जो फॉर्मूला मैंने यूज किया वो उसको साइड में लिख भी दिया है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल के लिए यहां लास्ट में जो अल्फा होता है यानी कि वन, उसको कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा, देखना एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस डी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऊपर लेके आएंगे और क्योंकि नोमिनेटर में लाने पर इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, तो उसको एक्सपेंड करेंगे, कितनी बार करेंगे,
वो x के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। पहले इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, y इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर, यानी वन प्लस वन का मतलब है टू। ये हो गया अपने पास में x बाई टू साइन एक्स, और अगर इसको आप ऊपर लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा इस प्रकार से, वन प्लस डी स्क्वायर रेस टू द पावर माइनस वन एक्स क्यूब। अब क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री टाइम हो सकता है, तो आप इसको थ्री टाइम एक्सपेंड करते हैं जब यहां डी होता है। यहां आपको दे रखा है डी स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, इसके हिसाब से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो देखना वाई की वैल्यू क्या जाएगी इसके बाद। इन दो फंक्शंस को तो आप एज इट इज लिख देंगे, और इसके लिए पहला स्टेप आ जाएगा वन माइनस डी स्क्वायर, उसके बाद प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माने डी रेस टू द पावर फोर, यानी इससे ज्यादा आगे करेंगे तो डी रेस टू द पावर सिक्स आ जाएगा, एट आ जाएगा। इट मींस यहां तक ही इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब को थ्री टाइम ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, यानी इसके साथ भी इसकी वैल्यू जीरो ही होनी है, तो आगे एक्सपेंड करने से कोई मीनिंग नहीं है। इसको सोल्व कर देते हैं, देखना वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू साइन एक्स। अब इसको यहां एक्स क्यूब को सभी के साथ ऑपरेट करना है, वन इंटू एक्स क्यूब माइनस टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, डी स्क्वायर का मतलब है टू टाइम डिफरेंशिएशन, तो एक बार करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर, दोबारा करेंगे तो सिक्स एक्स, यानी आप यहां लिख सकते हैं माइनस का सिक्स एक्स। ओके स्टूडेंट्स, डी रेस टू द पावर फोर के साथ ये जीरो हो ही जाएगा, फोर टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आ जाएगा। इसलिए जो पी आई अपने पास में आया है वो है ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स साइन एक्स बाई टू प्लस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स। तो आप इसको लगा सकते हैं इक्वेशन नंबर टू, जो डिनोट करता है यहां पी आई को। सी एफ और पी आई दोनों कैलकुलेट होने के बाद फाइनली आंसर के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना होता है। नाउ वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो इसलिए सी एफ था अपने पास सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स साइन एक्स बाई टू प्लस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स, जो कि दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है। सो स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लीजिए, ये डिनोट करेगा दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर को। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट के पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का केस नंबर फोर्थ, जिसमें हमने एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स होने पर क्यू एक्स की जगह अगर एक्स का कोई पॉलिनोमियल हो तो किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड किया जाएगा, इस मेथड को आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे, बीएससी एमएससी के सभी पेपर्स का मेटर जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा, इसलिए आप वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।